अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम पेंट के बारे में देखेंगे और पेंट को यूज़ करना सीखेंगे। इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये टूल्स कौन कौन से हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में सीखेंगे और चंद एक जो ड्राइंग्स हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि जब आप लोगों को लैब में प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाए तो आप आसानी से उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंट खोलने के लिए हमारे पास, क्योंकि ये विंडोज़ 10 है तो यहाँ पे जो हमारा पेंट की टूल्स की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे विंडोज़ एक्सेसरीज़ में आ रहा है पेंट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। आपके सामने ये विंडो की जो मेन विंडो आ गई है पेंट की, तो इस मेन विंडो में मैं आपको पहले इसके जो पार्ट्स हैं इनके हवाले से बताऊंगा कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो मेन एरिया है यहीं पे मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखें यहां पे ये तीन जो बटन हैं, इन तीनों बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। इससे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ कर देगा, साथ नीचे लिखा वो भी आ रहा है मिनिमाइज़। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे मिनिमाइज़ हो जाएगा। इधर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ये रिस्टोर का और मैक्सिमाइज़ का होता है। अगर ये आपको सिंगल बॉक्स नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे जो फुल स्क्रीन पे फैल जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे अगर ये आपको डबल बॉक्स नज़र आए, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, तो इसका मतलब है कि हम इसको रिस्टोर करेंगे, यानी कि ये छोटा हो जाएगा। और इसके साथ ये क्लोज़ का बटन है, ठीक है। इसको क्लिक करने से एप्लीकेशन हमारी जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम इसके राइट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा एक ट्रे नज़र आ रहा है जिसमें तीन चार कलर दिए हुए हैं, साथ एक ब्रश है। ये हमारा पेंट का आइकन है। और इसके आगे ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इन बटन्स को हम इस बार को क्विक एक्सेस बार बोलते हैं, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आप इसके साथ ये टिनी सा जो एरो है इस पर क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसके साथ कुछ चेक लगे हुए हैं। ये वो चेक हैं जो यहाँ पे बटन आपके पास मौजूद हैं वो चेक हैं, और जो बटन यहाँ पे मौजूद नहीं उसके साथ चेक नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी, ये प्रिंटर का प्रिंट का ऑप्शन है, इसको मैं ख़त्म करूँगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन गायब हो गया है और वो यहाँ से देखें इसका चेक भी रिमूव हो गया है। अगर मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से सेंड इन ईमेल पे क्लिक करूँगा तो ये ईमेल का आइकन जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इनको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। इसके आगे ये अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है ये हमारी फाइल का नाम है बेसिकली, क्योंकि भी ये इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया इसलिए इसको लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। और इसके साथ पेंट हमारी एप्लीकेशन का नाम है जिसको हम सीख रहे हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे वाला ये जो सारा पोर्शन है आपका, ये आपका रिबन कहलाता है। यहाँ पे फाइल, ठीक है, इसको हम फाइल मेन्यू भी बोलते हैं और बैक स्टेज विंडो भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, जहाँ से हम न्यू फाइल ले सकते हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज, प्रिंट और स्कैन वगैरह, स्कैनर वगैरह का इस्तेमाल, कैमरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और वही सेंड इन ईमेल वगैरह और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ आ जाती हैं जिसमें अबाउट पेंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। जो रीसेंट फाइल्स होती हैं हमारी वो यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि यहाँ पे कुछ ये व्हाट्सएप इमेज के नाम से मौजूद हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट जो है ये होम टैब है, ये रिबन है बेसिकली, मैंने आपको बताया ये सारा एरिया। तो इस एरिया के अंदर हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड, ये भी एक ग्रुप है, इमेज ये भी एक ग्रुप है, टूल्स, शेप्स, इस तरह से कलर्स, ये हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। इनको याद रखना है कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, इनके नाम क्या हैं। इस तरह से व्यू टैब अगला है और इसके अंदर हमारे पास जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले, यानी कि तीन किस्म के ग्रुप व्यू टैब के अंदर हैं। हम इस रिबन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, ये एरो पे क्लिक करने से हमारा रिबन मिनिमाइज़ हो जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। इसके साथ
ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है ये हेल्प के लिए है। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प दरकार हो आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने इसकी हेल्प जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, स्टिल क्योंकि थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है तो इस वजह से इसकी हेल्प अभी ओपन नहीं हो रही। मैंने क्लिक किया है, लोड होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई जी, ये हेल्प है और ये हमें लाइव ले चलेगी हमारे जो Windows 10 का जो मतलब वेबसाइट है उसके ऊपर ले चलेगी। ठीक है, स्टिल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वैसे हमारे से कोई काम नहीं है फिलहाल जी। आगे नीचे आते हैं, क्लिपबोर्ड का क्या मकसद है इसको ज़रा पढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को अगर कॉपी करते हैं तो वो हमारी क्लिपबोर्ड में चली जाती है और वहाँ से हम उसको वापस निकालने के लिए पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ और वो मैं यहाँ पे कैनवस पे ड्रा करता हूँ। इसमें मैं कोई कलर ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से ये। अगर मैं इस को कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट का ऑप्शन मेरे पास ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखें ये कट और कॉपी दोनों आइकन जो हैं ये ऑन हो जाते हैं, लेकिन पेस्ट का आइकन अभी ऑफ है, ये काम नहीं कर रहा। मैं अगर कट पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से इसको कट कर देगा और उसको हमारे क्लिपबोर्ड की टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो लेट्स से मैं इसको अगर कट करता हूँ तो इसने यहाँ से इसको कट कर दिया और जो ही इसने इसको कट किया देखें पेस्ट का बटन ऑन हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस वो अपनी जो क्लिपबोर्ड की टेम्परेरी मेमोरी है वहाँ से निकाल के स्क्रीन पे ले आएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉपी का मकसद क्या होता है। अगर मैं कोई और शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका ये पोर्शन फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये इतने पोर्शन को ही कॉपी करेगा जितना मैंने सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट किया हुआ है। तो कॉपी करने का मतलब यह है कि ये चीज़ यहाँ पे तो रहेगी लेकिन इसकी एक कॉपी जो है वो मेरे क्लिपबोर्ड में चली जाएगी। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो वो देखें जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो उसका पोर्शन उसने कॉपी कर दिया। अब क्लिपबोर्ड से ये जो सर्कल पहले हमने किया था कॉपी वो भी ख़त्म हो गया और उसके साथ जो दूसरी चीज़ जो कॉपी की थी वो हमारे सामने मौजूद है जी। तो इस तरह से हम कट और कॉपी का काम करते हैं। इस तरह अगर आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो आप सेलेक्ट पे क्लिक करें और इस सारे एरिया को सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाएगा। मैं आज आपको एक टूल यहाँ से सिखाऊंगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में होंगी। ये एक कर्व टूल है, आज इसका इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग कैसे बनेगा। ये कर्व टूल बेटा लेके आपने यहाँ से लेट से ब्लैक कलर की लाइन ले लेनी है और लाइन का ऑप्शन मैं सेकंड रखूँगा। ये देखें यहाँ से लाइन साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं ये सेकंड ऑप्शन ले रहा हूँ। मैं इसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट कॉर्नर है ना लाइन का, तो इसके पास से मैं लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता हूँ। कर्व का मतलब क्या होता है कि हम इसको दो तरह से इसमें कर्व क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपके सामने क्रिएट कर दिया है। अब इसी तरह से दोबारा मैंने अभी कर्व लाइन पकड़ी हुई है, एक मैं यहाँ पे नीचे और कर्व लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊंगा। स्ट्रेट कर्व लाइन लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखें और साथ लाइन लगाएं तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी लग गई है, मैं इसको यहाँ से राइट साइड से पकड़ के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर लाइन ख़राब हो जाए तो आप कंट्रोल जी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से वो अंडू हो जाता है। ठीक है, जो काम गलत हो जाए। अभी मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ से राइट साइड से इसको मैं फिर नीचे ले आऊँगा। ये ऊपर और नीचे वाली लाइन ड्रा हो गई। अब मैं इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ दूँगा कुछ इस तरह से, और इधर से मैं इस लाइन को पकड़ के इसका कॉर्नर गोल करूंगा और इधर से भी थोड़ा सा ऐसे, ताकि ये हवा में जब फ्लैग लहरा रहा हो, परचम लहरा रहा हो, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आए। इस तरह से मैं यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर डालने के लिए एक और लाइन लगाऊंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर से यहाँ से
कर दूंगा, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे लगना है, ठीक है। तो ये भी मैं इधर से ऊपर ऐसे और यहाँ से इस तरह, ये तीनों मैंने कर्व्स बनाई हैं, वर्टिकल लाइन जो थी। तो कर्व बनाने का तरीका ये आपके सामने है। अब मैं इसमें बनाऊंगा चांद और तारा। देखें, तारा तो आपके पास ये है स्टार, इसी स्टार को पकड़ के यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे तो आपका स्टार बिल्कुल परफेक्टली लगेगा, लेकिन क्योंकि परचम लहरा रहा है तो थोड़ा सा स्टार लंबूतरी शक्ल का होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे अब फ्लैग के लिए हमने बनाना है चांद। तो चांद तो इसमें नहीं है जो आपकी शेप्स हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ से ये लेते हैं ओवल शेप, और यहाँ पे एक तरफ मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, बल्कि ये जगह है इधर कर लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक परफेक्ट सर्कल लगाऊंगा बड़ा, और एक इसके ऊपर छोटा सर्कल लगाऊंगा ये। इसको उठा के मैं इसके पास यहाँ पे रख दूंगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। और ये बेटा आपके पास पिंक कलर में एक छोटा सा यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये इरेजर है, इसको पकड़ें। इधर से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा साइज़ करना है आपने, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करने से ये साइज़ बड़ा हो जाएगा इसका। तो ये आपके पास बन के आ जाएगा, पेंट चांद बन गया। अब इसको सेलेक्ट टूल, ये जो सेलेक्ट टूल है इसको पकड़ें, और इसके ऊपर ये जो टीनी सा आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है ना एरो, इस पर क्लिक करने से यहाँ पे आखिरी कमांड है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करना है। अब देखें इस पर क्लिक करने से क्या हुआ है, इसके साथ एक चेक लग गया। अब हम इधर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको उठा के इधर इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने ग्रीन कलर करना है, तो ये बकेट है आपकी, ठीक है, फिल विद कलर इसका नाम है, इसको ले लें और यहाँ से ग्रीन कलर पे क्लिक करके इसमें कलर डाल दें, ठीक हो गया। इसके साथ अब अगर आप इसके साथ वो जो एक बांस होता है पाइप वगैरह, अगर वो लगाना है तो आप बना सकते हैं। उसके लिए आप ये पॉलीगन टूल यूज़ करेंगे, और यहाँ से मैं डार्क ब्राउन कलर ले लेता हूँ इसके लिए। यहाँ से मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचूँगा ऐसे, और दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और फिर पॉलीगन टूल का मकसद ये होता है कि जो जहाँ आप लाइन छोड़ते हैं उसे थोड़ा दूर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन उसके साथ है खुद जोड़ लेगा। जैसे कि ये देखें, मैं नीचे क्लिक करके आया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो उसको उसके साथ जोड़ देगा। और यहाँ पे एक इसके ऊपर लगा देंगे हम ये ओवल लगा देते हैं, और इसके अंदर अगर आपने कलर ड्रॉप करना है ब्राउन कलर इसमें ड्रॉप कर देते हैं, ये बेहतरीन हो गया जी। सो इस तरह से आप एक चांद और तारे और एक फ्लैग जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को देखें और देख के अपने डायरी के ऊपर अपना काम नोट करें कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या क्लिक किया था, ताकि आप कल आके स्कूल में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।